this seems to be the year of the Kannada film, because even as we speak, Kantara, a low budget film that's making a lot of money. Sir, it's also my film, sir. दोस्तों कांतारा पर बात करते वक्त इमोशनल हुए केजीएफ स्टार यश। दरअसल कन्नड़ा फिल्म कांतारा ने दुनिया भर से 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म के हिंदी वर्जन का कलेक्शन 57 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कन्नड़ा इंडस्ट्री के रॉकिंग स्टार यश ने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि कांतारा भी उनकी ही फिल्म है। दोस्तों जब राजदीप सर देसाई ने पूछा कि मार्केट में कन्नड़ा फिल्मों का जबरदस्त भौकाल हुआ है, जैसा कि पहले आपकी केजीएफ 2 ने गदर मचाया और कांतारा बॉक्स ऑफिस पर अपने झंडे गाड़ रही है, ये सब क्या हो रहा है, तो इसके जवाब में यश कहते हैं, सर कांतारा भी मेरी ही फिल्म है और मुझे क्या लगता है वो मैं आपको अपनी इंडस्ट्री के नजरिए से बता सकता हूँ। दरअसल हमें अपने एटीट्यूड में बदलाव लाने की जरूरत थी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो सब ठीक है, मगर जैसे ही आप किसी फिल्म के साथ बाहर आते हैं लोग आपको जज करने लगते हैं, आपकी इंडस्ट्री के बारे में खास तरीके से बात करने लगती है, उस परसेप्शन को ही तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, वो हमारे लिए जरूरी था। दोस्तों यश बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक टाइम था जब सैंडलवुड को कोई नहीं जानता था, सब यही सोचते थे कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में और ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं बन सकती क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं है, लेकिन इस सोच को कांतारा और केजीएफ ने पूरी तरह से बदल दिया। अब ये समय ऐसा है कि सैंडलवुड की हर फिल्म का इंडिया भर में इंतजार रहता है, यही वजह थी कि कांतारा इतनी हिट हो पाई, क्योंकि पब्लिक अब कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की सभी फिल्मों का इंतजार करती है और अपने रॉकी भाई का सपना पूरा हो गया। और वैसे दोस्तों पब्लिक को अब बस अच्छा कंटेंट चाहिए, वो बॉलीवुड से आ रहा है, टॉलीवुड से आ रहा है या फिर सैंडलवुड से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर आपने कांतारा देखी है तो आपको वो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ कांतारा और केजीएफ में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकती हो, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।